डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पोर्टलैंड सीमेंट आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में तो कैसे ये सीमेंट बनता है और सीमेंट uh, जो कि एक जनरल थिंग uh, है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में तो इस सीमेंट को पढ़ना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसका कंपोजिशन क्या होता है कैसे ये बनता है और कैसे ये जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे ये सेट होता है तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट एक मटेरियल है जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होता है तो अगर हम इसे देखें पोर्टलेट सीमेंट इट इज डिस्कवर्ड इन इंग्लैंड इन 1824 1824 में ये इंग्लैंड में डिस्कवर हुआ और ये पोर्टलैंड रॉक के साथ रिजेम्बल करता था उसकी तरह दिखता था उसकी तरह था इसलिए इसका नाम क्या रखा पोर्टलैंड इंडिया में ये कब डिस्कवर हुआ 1914 में अगर हम इसका कंपोजिशन देखें अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन अगर हम इसका देखें तो इसमें क्या क्या मेजर मेन uh, कंपाउंड जो इसमें होते हैं वो क्या होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड लगभग 50 टू 60 परसेंट होता है जो कि कहाँ से जो इसका रॉ मटेरियल, है वो क्या हम लेते हैं वो लेते हैं लाइम स्टोन तो लाइम स्टोन अगर हम यूज करें तो हमें क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड यूज नहीं करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रॉ मटेरियल जो हम यूज करेंगे वो होगा लाइमस्टोन फिर जो दूसरा कंपोनेंट है जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज जो होती है कंपोनेंट की वो है सिलिका एस आईओ टू और ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट सीमेंट में होता है और इसको कहां से ऑप्टेन करते हैं क्ले जो सिंपल क्ले होती है सॉइल के अंदर उससे हम इसको ऑप्टेन करते हैं फिर जो तीसरा जो कंपोनेंट है मेजर कंपोनेंट वो है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का परसेंटेज है फाइव टू टेन परसेंट और ये भी कहां से हम लोग जो रॉ मटेरियल इसमें जो यूज करते हैं वो क्या है क्ले क्ले से जो एल्यूमिना है वो हम लेते हैं क्योंकि जो क्ले है वो क्या होती है एल्यूमिना सिलिकेट्स होती है उसमें एल्यूमिना भी होता है सिलिका भी होता है और फेरिक ऑक्साइड भी होता है फिर जो तीसरा जो जो मेजर चौथा जो कंपोनेंट है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वन से टू परसेंट होता है एमजीओ फेरिक ऑक्साइड एफ टू ओ थ्री जो वन से टू परसेंट होता है ये भी क्ले इसका रॉ मेटीरियल है बाकी जो एमजीओ एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड है हम डायरेक्ट मिला सकते हैं क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है सल्फर ट्राईऑक्साइड एक कंपोनेट है जो कि वन से टू तक होता है तो इसमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो लाइम से लेंगे हम और जो सिलिका एल्यूमिनिया एंड फेरिक ऑक्साइड का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है क्ले क्ले को लेके हम इस इनको बना सकते हैं क्ले से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं अब अगर हम बेस्ट क्वालिटी सीमेंट का कंपोजिशन देखें तो उसका कंपोजिशन क्या है जो सिलिका टू एल्यूमिना रेशियो है वो कितना होना चाहिए टू पॉइंट फाइव से फोर के बीच में होना चाहिए जो रेशियो है इसका मतलब ये बेस्ट क्वालिटी सीमेंट है या और उसमें जो रेशियो दूसरा जो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका एल्यूमिनिया एंड फेरिक ऑक्साइड का जो रेशियो है वो भी कितना होना चाहिए टू होना चाहिए मतलब कि उसमें सिलिका का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए तो इसका मतलब वो क्या है बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट है अब, अब हम पढ़ेंगे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस तरीके से सीमेंट को मैन्युफैक्चर करता है और उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होती है दिस इज द मैन्युफैक्चर यूनिट ऑफ सीमेंट इसमें हम देखेंगे ये ड्रॉ किया है एक डायग्राम जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से सीमेंट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग से पहले ये देख लें कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल है सो दीज आर द्री मेन रॉ मटेरियल्स तीन जो मेन रॉ मटेरियल हैं जो सीमेंट बनाने के काम आते हैं वो क्या है लाइन स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो हम पहले ही बता चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो क्ले क्ले से क्या क्या मिलेगा एल्यूमिनम सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड सो ए एल टू ओ थ्री टू एस आई ओ टू एफ ई टू ओ थ्री एंड टू एच टू ओ इज द फॉर्मूला फॉर क्ले एंड जिप्सम थर्ड रॉ मेटीरियल इज जिप्सम जो कि क्या करेगा सेटिंग टाइम को इनक्रीज करेगा उसका फॉर्मूला क्या है कैल्सियम सल्फेट एंड टू एच टू ओ सो ये तीन रॉ मेटेरियल है जो सीमेंट बनाने के लिए बेसिक रॉ मेटेरियल्स है जिनसे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एल्यूमिनियम मिलेगा सिलिका मिलेगा फेराइट मिलेगा फेरिक uh, ऑक्साइड मिलेगा एंड Uh, ये जो जिप्सम है वो सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा सीमेंट के सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर सीमेंट ये सीमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग uh, यूनिट है जिसमें आप देखेंगे यहां देखिए एक ये चिमनी है जहां से धुआं बाहर जाएगा यहां से ये स्लरी एड हम करेंगे और ये जो स्पेशल पार्ट है इसका यह है रोटरी किल ये स्पेशल पार्ट है और यहां पर आप देखेंगे जो रोटरी किल है इसको लगातार इसको हीट करेंगे कंटिन्यूसली और इसमें क्या होंगे देर आर डिफरेंट जोन्स अभी uh, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जोन्स हैं हीटिंग जोन्स हैं यहां पर टेम्परेचर 750 डिग्री यहां पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करेंगे देखिए जो हमारे रॉ मटेरियल थे क्या थे लाइमस्टोन लाइमस्टोन से हमें क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो क्ले क्ले से क्या मिलेगा हमें क्ले से मिलेगा एल्यूमिना सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड तो ये लाइम एंड क्ले को सेपरेटली अलग अलग क्या करेंगे उनको उनकी ग्राइंडिंग करेंगे और उनका क्या मिल जाएगा पाउडर फॉर्म में तो लाइम स्टोन भी पाउडर फॉर्म में कलेक्ट करना है और क्ले भी पाउडर फॉर्म में उसको बना देना है जब हम उसको पाउडर फॉर्म में बना देंगे फिर क्या करेंगे वॉशिंग ऑफ क्ले उसके बाद क्ले की क्या करेंगे वॉशिंग करेंगे आफ्टर वॉशिंग ऑफ क्ले जो पाउडर्ड लाइम स्टोन था जो हमने लाइम स्टोन को क्या किया था पाउडर फॉर्म में ले आए थे उस पाउडर्ड लाइम स्टोन को किसके साथ मिक्स कर देना है क्ले के साथ क्ले कौन सी है जो वॉश्ड क्ले है और उसको मिक्स करेंगे उसका मिक्सिंग जो है वो मशीन के थ्रू होगा ताकि वो मिक्सचर क्या हो जाए होमोजेनाइज हो जाए और एक सार मिक्सिंग हो जाए उसकी अच्छे से किसकी हो जाए लाइम की और क्ले की तो जब इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी हमने इसको क्ले को वॉश किया था तो वॉश्ड क्ले में क्या होगा उसमें थोड़ा सा पानी होगा तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे होमोजिनाइज करेंगे तो क्या बन जाएगी स्लरी स्लरी जब बनेगी उसमें लगभग कितना परसेंट वाटर होगा फोर्टी परसेंट वाटर तो स्लरी सी बन जाएगी सेमी सॉलिड टाइप बनेगा और वो सेमी सॉलिड को हम कहा ट्रांसफर करने वाले हैं यहां पर यहां से क्या आनी है स्लरी तो स्लरी किसकी है स्लरी है पाउडर्ड लाइम स्टोन एंड वॉश्ड पाउडर्ड वॉश्ड क्ले की मिक्स करके स्लरी बनाई स्लरी में अबाउट फोर्टी परसेंट वॉटर होगा और इस स्लरी को कहा से पोर करना है यहां से इस सिस्टम की यहां से स्लरी क्या होगी पोर होगी अब स्पेशलिटी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्या है ये रोटरी किल रोटरी किलने में क्या है देखिए आप मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहां पर जो हीटिंग ग्रेडिएंट उत्पन्न किया गया है हीटिंग ग्रेडिएंट है यहां शुरू में जो टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है देन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है तो यहां पर क्या होगा ये जो जो रोटरी क्लिन है ये कितनी लंबी है लगभग 150 टू 200 फीट लॉन्ग और दस फीट इसका डायामीटर है डायामीटर कितना है लगभग टेन फीट है और इसके अंदर जो लाइनिंग है वो किसकी है ब्रिक्स की है तो इसमें किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हुई अगेन मैं आपको बता रही हूं कि हमने क्या किया लाइम की क्रशिंग की क्ले की क्रशिंग की क्ले को वॉश किया और वॉश्ड क्ले और क्रश्ड लाइम स्टोन को मिक्स किया मिक्स करने के बाद फाइनली क्या बनाई स्लरी सेमी सॉलिड मास वो स्लरी यहां से आई उसमें क्या है लाइम स्टोन है और क्ले है 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ रिएक्शन होगी जनरली 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन करता है क्ले उसके बाद वो मटेरियल कहां आ जाएगा थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड के जोन में आएगा यहां पर जो रिएक्शन करेगा वो कौन सा पार्ट करेगा लाइम और फिर ये फाइनली यहां से और यहां से जो पार्ट होंगे वो पार्ट कहाँ आएंगे 1600 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जोन में और यहां पर यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिला यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिला वो रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद यहां पर वो रिएक्शन होगी और फर्दर फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर विल टेक्स प्लेस यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनाएंगे सीमेंट क्लिंकर और उस सीमेंट क्लिंकर में हम क्या ऐड करेंगे जिप्सम फिर क्या फॉर्मेशन होगा सीमेंट का ये देखिए यहां से जो हमें मिलेगा यहां से हमें जो यहां पर प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या बना देंगे सीमेंट क्लिंकर तो यहां से सीमेंट क्लिंकर जो मिलेगा उस सीमेंट क्लिंकर को जिप्सम में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा सीमेंट सो दिस इज द सिंपल यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड आफ्टर दिस आई डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रियक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन रोटरी किल देखिए इसको मैंने एक रोटरी क्लिन की फो, ये जो फोटो है ये बनाई है यहां पर देखिये ये सेवन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहां पर थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितना है सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहां पर क्या होता है जब सेवन फिफ्टी जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा वहां पर क्या होगा जो क्ले है हमने क्या डाला है क्ले एंड लाइम स्टोन ये दो चीजें हमने एड करके डाली थी तो सबसे पहले ये जो तो मिक्सचर है इस मिक्सर में क्या होगा सेवन फिफ्टी पर कैल्शियम आ, कार्बोनेट कोई रिएक्शन नहीं रहेगा जो लाइम स्टोन है केवल क्ले रिएक्ट करेगी और क्ले में क्या होगा जो इसके डिफरेंट पार्ट है ये इसमें टूट जाएगा और इसमें जो वाटर मोलिक्यूल है ये भी इसमें से निकल जाएगा तो यहां पर क्या होगा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ब्रेक डाउन ऑफ क्ले तो यहां पर जो स्टेप होगा एट सेवन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड जो क्ले है दैट विल दैट विल ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट तो क्या बन गया सिलिका फेरिक ऑक्साइड एंड वॉटर तो ये 750 डिग्री पर होगा इसके साथ जो दूसरा हमने मिक्सचर लिया था स्लरी में क्या था दूसरा लाइम स्टोन लाइम स्टोन यहां पर एक्ट नहीं करेगा अब क्या होगा जो लाइम स्टोन होगा वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाएगा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सी एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो आप देख रहे हैं इससे हमें क्या मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इससे हमें क्या मिल रहा है क्ले से एल्यूमिन सिलिका एंड एफ तो ये देखिए ये इसका सोर्स है और ये जो लाइम है वो कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स है अब ये दोनों आगे बढ़े कौन बढ़े इसमें एल्यूमिना था सिलिका था एफ टू ओ थ्री था एंड सी था जब ये आगे बढ़े तो यहां पर क्या होगा फर्दर रिएक्शन होंगी एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद कैल्सियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिना कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एफ टू ओ थ्री तो यह हायर टेम्परेचर पर क्या होगा ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहे हैं जैसे टू सी एंड एसआईओ टू जब जुड़ेंगे तो डाई कैल्सियम सिलीकेट टू सी एसआईओ टू का फॉर्मेशन होगा यह ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनेगा टू थ्री सी एसआईओ टू थ्री सी एसआई टू बनेगा तो दिस इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फिर देखिए एल्यूमिनिया के साथ ट्रीट हो रहा है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन रहा है और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिन एंड एफ ई हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं फोर सी ए एल टू ओ थ्री एफ ई टू ओ थ्री दिस इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट तो ये चार डिफरेंट मटीरियल्स बन रहे हैं सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या बना डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो इट तो अब क्या है अब हमारे पास क्ले नहीं रही नहीं हमारे पास लाइम स्टोन रहा जब टेम्परेचर 1600 हो गया तो हमें ये चार डिफरेंट प्रोडक्ट मिले और ये चारों प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है और ये जो चारों हैं इनको हम ये क्या करते हैं जब भी ये रिएक्शंस होंगी तो ये रिएक्शंस क्या होती है जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ओके तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जनरली यहां पर क्या होगी हीट इवॉल्व होगी और यहां से जो हमें मिक्सर मिलेगा वो क्या कहलाएगा सीमेंट क्लिंकर यहां से ये जो मिक्सर है जिसमें क्या है डाई कैल्शियम सिलकेट सिलिकेट सिलकेट ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट ये जो मिक्सर है इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं सीमेंट क्लिंकर और सीमेंट क्लिंकर किस कलर का होता है ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर का ठीक है अब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट जो प्रोड्यूस हुए हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज है ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और वो प्रॉपर्टी हेल्पफुल है इन सेटिंग ऑफ सीमेंट सो मैन्युफैक्चरिंग आप समझ गए मैन्युफैक्चरिंग में आप देख रहे हैं रोटरी क्लीन में तीन तरीके की जोन जो है वहां पर अलग अलग टाइप की रिएक्शन होंगी पहले मॉइस्चर रिमूवल होगा और क्ले ब्रेकडाउन दूसरे थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन ब्रेकडाउन तीसरे जोन में क्या होगा ये सब आपस में रिएक्ट करके चार तरीके के नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे और ये जो कंपाउंड है इनका मिक्सचर क्या कहलाएगा सीमेंट क्लिंकर जो कि ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर का होता है और ये इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी अलग अलग होती है तो अगर हम इन डिफरेंट कंपाउंड्स जो बने हैं 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो देखेंगे ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है इट सेट्स स्लोली ये धीरे धीरे सेट होता है अब सीमेंट तो आप जानते हैं सीमेंट क्या है कुछ समय बाद जम जाता है ठीक है तो उस जो जमना होता है उसको जो सेटिंग होती है किस वजह से होती है इन सब कंपाउंड की वजह से होती है ये जो कंपाउंड है इनमें से लेकिन किसी की टेंडेंसी जल्दी सेट होने की होगी किसी की टेंडेंसी कम सेट होने की देर से सेट होने की होगी तो अगर हम इसको देखें डाई कैल्शियम सिलिकेट को तो इट सेट, सेट स्लोली गिव एप्रिसिएबल स्ट्रेंथ टू तो सीमेंट आफ्टर फोर्थ नाइट क्या होता है दो वीक के बाद लगभग जो है ये स्ट्रेंथ देता है किसको सीमेंट को तो ये बहुत धीरे धीरे जमता है

दिस कैल्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तो इस जो ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है और जो ट्राई कैल्शियम सिलीकेट है ये दोनों जल्दी से जम जाते हैं ये तो इंस्टेंटेनियसली काम करता है और ये थोड़ा देर में सेट होगा और ये जो है वो सबसे देर में सेट होगा डाई कैल्शियम सिलीकेट फिर जो आपको जो जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट है ये ये भी जल्दी से सेट हो जाता है तो इसको अगर हम देखें तो ये द ऑल अगर इन सबको मिला दें तो क्या बनेगा ऑल टूगेदर कॉल्ड सीमेंट क्लिंकर इट इट इज कलर्ड एंड टू टू थ्री परसेंट ऑफ इट वेट्स एड जिप्सम इज एडेड एक्चुअली क्या होता है कि अब ये तो है मेन कंस्टिट्यूएंट जो क्ले और लाइम ने रिएक्ट करी ये उसके बाद क्या करेंगे जब हमें क्लिंकर मिल जाएगा सीमेंट क्लिंकर जो होगा उस क्लिंकर में क्या ऐड कर देंगे जिप्सम ऐड करेंगे अबाउट टू टू थ्री परसेंट जिप्सम ऐड करने से क्या होगा जिप्सम इनकी सेटिंग को क्या करेगा स्लो डाउन करेगा और जब हम जिप्सम ऐड कर देंगे फिर से इसको ग्राउंड करेंगे और उसके बाद जो हमें मिलेगा मिक्सर दैट इज सीमेंट एक्चुअली सीमेंट क्या है सीमेंट में हमने मिलाया क्ले क्ले को मिलाया क्ले में हमने मिलाया है लाइमस्टोन उन दोनों को जब मिला के हमने रोटरी क्लीन में डाला तो पहले क्ले डिस होगा फिर लाइम स्टोन डिसइंटीग्रेट होगा उसके बाद कौन फिर उसके होगा उनकी रिएक्शन होगी उनकी रिएक्शन के बाद हमें चार कंपाउंड मिले

अबाउट मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ सीमेंट तो इससे पहले हमने मैन्युफेक्चरिंग पढ़ी सीमेंट की अब हम पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट सीमेंट की सेटिंग की क्या क्या प्रोसेस है कैसे सीमेंट सेट होता है तो उसको हम स्टडी करेंगे पहले हम ये देखेंगे कि सेटिंग ऑफ सीमेंट हम किससे कहते हैं सीमेंट को अगर वॉटर में जोड़ दें अगर पानी में हम सीमेंट uh, में अगर हम पानी में लाएं तो सीमेंट क्या करता है एब्सॉर्ब करता है वॉटर को एंड बिकम हार्ड और कैसा हो जाता है हार्ड हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट आपने देखा ही है जनरल आम उस पर देखा होगा आपने कि अगर आप कट्टे में सीमेंट रख दें तो कुछ समय बाद जो है वो जम जाता है क्योंकि वो एटमोस्फेयर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सेट हो जाता है तो ऐसे ही जो है वो अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा सेट हार्ड हो जाएगा उसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट सो सेटिंग ऑफ जो सीमेंट है वो दो तरीके की प्रोसेस के थ्रू होती है एक्चुअली एक तो होती है जो सेटिंग विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स में सेटिंग हो जाती है वो कुछ कंपोनेंट की वजह से होती है उसके बाद कुछ सेटिंग होती है आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स तो दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया है जो पहली सेटिंग है वो जो ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर हो जाती है वो किसकी वजह से होती है आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट देखिए ये क्या होते हैं ये जल्दी से सेटिंग करते हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी करता है लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा जो सेटिंग होती है जल्दी वो किसकी होती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की तो क्या होता है विदिन ट्वेंटी फोर आवर हमने क्या किया जो सीमेंट था उसमें अगर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो मिलाते हैं जब हम लिंटर डालेंगे या हम कहीं पर भी ब्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो वहां पर जब हम सीमेंट का जो मिक्सचर बनाएंगे उस मिक्सचर में जब हम पानी डालेंगे तो क्या होगा विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स क्या होगा जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा उसका हाइड्रेशन हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल जेल ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट विथ टेक्स प्लेस देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये क्या करेगा उस पानी से तुरंत रिएक्ट कर लेगा विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स और रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बना देगा ठीक है दूसरा क्या प्रोसेस होता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर रिएक्शन ऑफ दिस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद जिप्सम ये भी होता है यहां पर क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट तो ये क्या होगा जब ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि जिप्सम ऐड किया है हमने वहां पर तो ये क्या बना देगा कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट तो ये ये दो प्रोसेस होंगी जो कि 24 फोर आवर के अंदर हो जाएंगी ठीक है तो आप ये देख रहे हैं जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो थोड़ा रिमूव हो गया यहां से क्योंकि इसने क्या किया है इसने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया अब थोड़ा सा कहीं पर बचा होगा कैल्शियम एल्यूमिनेट तो बचा होगा नहीं तो कुछ कैल्शियम एल्यूमिनेट से पानी ने रिएक्ट कर लिया और कुछ कैल्शियम एल्यूमिनेट ने क्या किया जिप्सम से रिएक्ट कर लिया अब इसमें क्या बचा है इसमें बचा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसमें बचा है डाई कैल्शियम सिलिकेट और इसमें बचा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ये तीन चीजें इसमें मेन बची हैं तो वो कब सेट होती हैं वो होती हैं आफ्टर 24 फोर आवर्स सेटिंग तो देखिए क्या होगा जो हाइड्रोलिसिस जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है उसका हाइड्रोलिसिस होता है पहले और हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्या बना देगा डाई कैल्शियम सिलिकेट तो वहां पर मिक्सचर में क्या बचा हुआ है क्योंकि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो तो रिएक्ट कर चुका है उसका थोड़ा सा पार्ट बचा होगा बाकी जो बचा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट दैट इज फेराइट तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो पहले पानी से रिएक्ट करके डाई कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट होगा तो ट्राई कैल्शियम डाई कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया और जो डाई कैल्शियम है जो पहले से भी है और जो ये कन्वर्ट हुआ है ये पानी से रिएक्ट करने के बाद कोलोइडल जेल बना देगा ठीक है फिर जो कुछ अगर थोड़ा सा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बचा है तो उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा ठीक है पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा कैल्शियम के और एल्यूमिनियम के और तीसरा जो बचा है आपका कंपोनेंट वो है टेट्रा कैल्शियम के, एल्यूमिनेट फेराइट ये हाइड्रेटेड इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएगा सेटिंग ऑफ सीमेंट में मेन अगर आप समझ लें फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ चार कंपोनेंट बने थे मैन्युफैक्चर जब हमने किया था एक बना था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एक बना था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट बना था ये चार कंपोनेंट है और एक जिप्सम हमने इसमें ऐड किया था तो ये पांच कम्पोनेंट है जो जिसमें सीमेंट में ये थे अब इसमें हमने क्या किया कि जब हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया तो 24 फोर आवर्स में कोई और रिएक्शन होगी और आफ्टर 24 फोर आवर्स कुछ और रिएक्शन होगी ठीक है तो 24 फोर आवर्स में कौन रिएक्ट करता है कैल्शियम एल्युमिनेट देखिए कैल्शियम एल्युमिनेट कैल्शियम एल्युमिनेट या तो पानी से रिएक्ट करेगा हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट बना देगा दूसरा ये किससे रिएक्ट कर सकता है जिप्सम से जिप्सम से रिएक्ट करके ये सल्फो एल्यूमिनेट बना देगा ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद जब हम कहते हैं कि लिंटर डला है भाई पंद्रह दिन तक पानी डालो या बाईस दिन तक ट्वेंटी टू डेज तक हम पानी डालते हैं उसमें या फोर्टीन डेज तक भी डालते हैं तो क्यों डालते हैं क्योंकि उसके बाद भी सेटिंग होती है ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद भी सेटिंग होती है सेटिंग क्यों होती है ड्यू टू दिस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ड्यू टू दिस डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ड्यू टू दिस टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो एल्यूमिनेट फेराइट अगर आप फिर से रिकॉल करें तो आप देखेंगे देखिए चार कंपोनेंट बने थे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ये चार चीज थी पांचवा हमने इसमें क्या ऐड किया जिप्सम तो अब हमारे पास क्या हो गई पांच चीजें जब हम ये सेटिंग ये तो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद जब हम इसकी सेटिंग देखेंगे पानी से रिएक्ट करने के बाद एक ट्वेंटी फोर आवर्स की रिएक्शन होगी एक आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स होगी जो कि कुछ दिनों तक होती है तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है कैल्शियम एल्युमिनेट सेट्स इंस्टेंटेनियसली सबसे पहले कौन रिएक्ट करने वाला है कैल्शियम एल्युमिनेट फिर कौन बचेंगे ये बचेगा ये बचेगा और ये बचेगा तो आपको मैंने ये बताया कि जो ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट है वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट बनाता है और साथ में ये जिप्सम से भी रिएक्ट कर लेता है ट्रेसेस तो बचा? बचा ये ये बचें। तो बचेंगे तो ये क्या होगा हाइड्रोलाइज होगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और ये तीनों देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे थे मैं फिर से आपको रिएक्शन दिखा रही देखिए अगेन के, जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसने रिएक्ट किया पानी के साथ हाइड्रेटेड देन इसने जिप्सम के साथ रिएक्ट किया तो पहली 24 फोर आवर्स में ये रिएक्शन होंगी आफ्टर 24 फोर आवर्स अप टू 14 डेज और 22 टू डेज हम पानी डालते रहते हैं आपने देखा है पानी डालते रहते हैं लिंटर के ऊपर क्यों या फिर हम अगर दीवार में सीमेंट कर रहे हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं सिंचाई क्यों करते हैं ताकि सीमेंट की क्या हो सके सेटिंग हो सके आराम से तो दूसरी जो प्रोसेस है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ये सेट होते हैं 24 फोर आवर्स के बाद और अगर थोड़ा सा ये कैल्शियम एल्यूमिनेट बचा है तो वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है तो इस तरीके से सीमेंट की सेटिंग होती है अब फर्स्ट स्टेप में आपने देखा 24 फोर आवर्स के अंदर क्या रिमूव हो गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तो जब यह रिमूव हो जाएगा तो सेटिंग की प्रोसेस क्या होगी स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि ये सबसे जल्दी सेट होता है तो इसके रिमूव होने के साथ ही सेटिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे आपने देखा जेल बनने शुरू होंगे और विद इन सम डेज पूरा सीमेंट क्या होगा सेट हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा जो जेल है वो लूज करेगा वॉटर को बाई इवेपोरेशन प्रोसेस स्लोली एंड सीमेंट फाइनली कन्वर्ट इन हार्ड मास धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा कि ये जो जेल बने हुए थे जो जेल बने थे जेल कैसे बने थे जो पानी के साथ रिएक्शन करी थी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ने ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ने डाई कैल्शियम सिलिकेट ने तो उन्होंने जेल बनाए थे जो धीरे धीरे सेट होते हैं और समय के साथ उन जेल में से पानी इवेपोरेट होगा और फाइनली क्या होगा हार्ड मास रह जाएगा सो दिस इज सेटिंग ऑफ सीमेंट अब देखिए जब हाइड्रेशन होता है कैल्शियम सिलिकेट का एंड कैल्शियम एलुमिनेट का तो ये जो हाइड्रेशन हाइड्रेशन तो आपको पता ही होगा हाइड्रेशन क्या होता है जब जब हम किसी आयन में पानी को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा हाइड्रोलाइज हो जाता है तो उस समय हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है तो जब भी हाइड्रेशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है तो जनरली ये कैसी प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है कुछ जो हीट है वो निकलती है क्योंकि हाइड्रेशन होता है हाइड्रेशन का मतलब ही है कि हीट का रिलीज होना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए वहां पर कुछ कूलिंग की जरूरत पड़ती है जब आप सेटिंग प्रोसेस करते हैं इसीलिए हमें उसमें काफी दिनों तक पानी डालना पड़ता है ताकि सेटिंग की प्रोसेस के दौरान क्या हो क्रैक्स जनरेट ना हो सीमेंट की बने हुए जो जो मटेरियल है उसमें क्रैक्स ना है उसके लिए हम क्या करते हैं उसको कूल भी करते रहते हैं पानी के थ्रू तो इसलिए जो है वो क्यों क्योंकि यहां पर क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक बार हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं बहुत सिंपल सा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है सीमेंट जो हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की तरह तो इस सीमेंट की खोज जो है वो इंग्लैंड में हुई थी लेकिन इंडिया में 1914 में आया अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड तो ये इसकी कंपोजिशन है मेन और इसके जो रॉ मेटीरियल होते हैं मेन वो है लाइम एल्यूमिना एंड जिप्सम ये तीन इसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं लाइम से क्या मिलता है देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्ले से क्या मिलेगा एल्यूमिनियम सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड और जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है ताकि जो जो सेटिंग की प्रोसेस है वो क्या हो जाए स्लो डाउन हो जाए मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में हम इसमें एक मेन जो पार्ट है वो उसका रोटरी रोटरीक्लिन है रोटरी रोटरीक्लिन में आ, तीन टेम्परेचर में हम उसको डिवाइड करते हैं तीन टेम्परेचर जोन होते हैं सबसे कम टेम्परेचर जो कि सेवन होता है वहां पर क्या रिएक्शन होती है वहां पर रिएक्शन होती है क्ले जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा और वॉटर क्या होगा इवेपोरेट होगा फिर अगर हम थाउजेंड डिग्री पर देखें तो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का डिसइंटीग्रेशन होगा और सिक्सटीन हंड्रेड पर ये सब आपस में क्या करेंगे जो कंस्टिट्यूएंट हैं दे रिएक्ट टू फॉर्म फोर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और मिक्सचर उसका क्या कहलाएगा सीमेंट क्लिंकर जो कि ग्रे कलर का होता है अब इस सीमेंट क्लिंकर जो है उसमें क्या ऐड करते हैं फाइनली जिप्सम जिप्सम ऐड करने से क्या होगा सेटिंग प्रोसेस ए, स्लो डाउन हो जाएगी तो मेन जो मटेरियल है वो जिप्सम एंड दीज फोर उसके बाद हम देखेंगे ये तो मैन्युफैक्चरिंग है देन हमने देखा इट्स सेटिंग सेटिंग के दो स्टेप मेन है सेटिंग के क्या स्टेप है दो मेन स्टेप्स है सेटिंग के जो दो मेन स्टेप हैं एक 24 फोर आवर्स में एक आफ्टर 24 फोर आवर्स में जो 24 फोर आवर्स में होगी वो कैल्शियम एलुमिनेट सेट हो जाएगा और जब ये सेट हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे होगी प्रोसेस तो आप ये देख रहे हैं यहां पर जेल बनेंगे कोलाइडल जेल कोलाइडल जेल बन गए इसलिए इनमें से जो वॉटर का जो इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा धीरे धीरे होगा और ये लगभग टेक्स अबाउट ट्वेंटी टू डेज ट्वेंटी टू डेज लगभग ये लेता है और इस दौरान क्या होगी कुछ हीट निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन है तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है कूलिंग प्रोसेस इसमें अप्लाई करनी पड़ती है सो आई थिंक दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू आर आर लाइफ हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है इसलिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हमने मेन जो पढ़ा है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड सेटिंग एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट सो थैंक यू वेरी मच